राष्ट्रपति भवन में स्थित प्रसिद्ध अमृत उद्यान पर्यटकों के लिए साल में दूसरी बार खुल चुका है। ऐसे में उद्यान में घूमने के लिए पहले दिन ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। उद्यान भवन के अंदर आने वाले लोगों की चेकिंग की गई और उसके बाद उन्हें अंदर भेजा गया। राष्ट्रपति भवन में स्थित प्रसिद्ध अमृत उद्यान पर्यटकों के लिए साल में दूसरी बार खुल चुका है। ऐसे में उद्यान में घूमने के लिए पहले दिन ही पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। उद्यान भवन में अंदर जाने के लिए लंबी कतार में चेकिंग प्रक्रिया करते हुए पर्यटकों को अंदर भेजा गया। जानकारी अनुसार अमृत उद्यान 16 अगस्त से 17 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। उद्यान उत्सव 2 का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को ग्रीष्मकालीन वार्षिक फूलों को दिखाना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है अमृत उद्यान में। आपको बता दें कि आज से अमृत उद्यान की शुरुआत शुरू हो चुकी है विजिटिंग के लिए। साल में दूसरी बार ये ऐसा मौका है जब अमृत उद्यान का जो विजिटर्स हैं वो आकर आनंद ले सकते हैं। अभी इस वक्त आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सुबह के वक्त से ही जो विजिटर्स हैं, जो घूमने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, उनमें कितना ज़्यादा उत्साह है। खास करके लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र पुणे से आए हैं, कुछ राजौरी गार्डन और हालांकि दिल्ली के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां से आए हैं। लेकिन इस बार अगर बात करेंगे तो खासियत ये भी है कि अमृत उद्यान को देखने का जो मौका है वो सरकार की तरफ से छात्रों के लिए मुफ्त रखा गया है। यानी कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनका किसी भी तरीके का जो टिकट है वो अमृत उद्यान देखने के लिए नहीं लगेगा। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो छात्र हैं वो अमृत उद्यान का विजिट कर सकते हैं। और खास बात ये भी है कि ग्रीष्मकालीन जो अवसर है वो देखा जा रहा है। यानी कि इस समय किस तरीके के जो अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, जो अलग अलग फूल होते हैं, वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं और अमृत उद्यान की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा अहम है। दूसरा जो ये मौका है इसे देखने के लिए काफी सारी भीड़ जो है इस वक्त आप देख सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी पर्पज से आप देखेंगे तो जगह जगह पर अमृत उद्यान के बाहर ही आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरीके से जो कैंप है उन्हें बनाया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लाइनों के माध्यम से, कतारों के माध्यम से चेकिंग करते हुए अमृत उद्यान के अंदर जो विजिटर्स हैं उनको ले जाया जा रहा है। हालांकि किसी भी तरीके का सामान ले जाना अलाउ नहीं है और जो टाइमिंग है विशेषकर वो सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रखी गई है। और खासकर उद्यान में घूमने के लिए अगर बात करेंगे टिकट की तो टिकट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। हालांकि छात्रों के लिए पूरी तरीके से मुफ्त है, लेकिन जो और भी विजिटर्स हैं उनको जो टिकट है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो काफ़ी अहम बात है कि राष्ट्रपति भवन के काफ़ी नज़दीक बना अमृत उद्यान अपनी जो बखूबियाँ हैं उसको समेटते नज़र आ रहा है और इस अवसर पर खासकर छात्रों के साथ साथ और भी अलग जो विजिटर्स हैं उनके अंदर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पर्यटकों ने कहा कि अमृत उद्यान को साल में दूसरी बार विजिट करने का अवसर प्राप्त हुआ जिससे वे काफी खुश हैं और खासकर ग्रीष्मकालीन अवसर पर उद्यान में किस प्रकार के रंग बिरंगे फूल मौजूद हैं उन्हें देखने के लिए वो उत्साही हैं, क्योंकि अमृत उद्यान खासकर फूलों की अलग अलग प्रजातियों के लिए जाना जाता है जिन्हें एक साथ एक बड़े उद्यान में देखा जा सकता है। हमने इसका बुकिंग ऑनलाइन किया था। इनफैक्ट हमने इसको मेट्रो स्टेशन पे इसका एडवर्टाइजमेंट देखा था जहाँ पे काफ़ी वाइडली पब्लिसिटी किया गया था ये, और काफ़ी आसानी से हम रजिस्ट्रेशन कर पाए थे। साल में दूसरी बार अमृत उद्यान खुल रहा है तो हम एज अ टूरिस्ट काफ़ी एक्साइटेड है, आकर देखना चाहते हैं यहाँ पे जो भी बहुत बढ़िया फूल और बढ़िया गार्डन का जो सेटअप है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें और हमारे फैमिली को। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग, जैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर जाके वो गार्डन वगैरह देखना है इटसेल्फ मतलब सौभाग्य है हमारा, तो बहुत एक्साइटेड है, काफ़ी एक्साइटेड है। गार्डन देखना, राष्ट्रपति के भवन के अंदर जाना, तो मेरा बेटा भी है तो बच्चे को भी पहली बार लेके आया है दिल्ली, तो वो देखने के लिए बहुत उत्सुकता भी है। बता दें कि छात्रों के लिए उद्यान में विजिट एंट्री को मुफ्त रखा गया। उत्सव 2 का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को ग्रीष्मकालीन वार्षिक फूलों को दिखाना है। स्कूल के छात्र उद्यान उत्सव 2 के दौरान संग्रहालय का भी निशुल्क दौरा कर सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद टीचर्स ने बताया कि वे लगभग 160 की संख्या में छात्रों को लेकर यहां पहुंचे। बच्चे बेहद खुश हैं
उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। बहरहाल उद्यान उत्सव 2 के तहत 16 अगस्त से एक महीने के लिए अमृत उद्यान जनता के लिए खुला है और पर्यटक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गार्डन घूमने आ सकते हैं। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।